स्ट्रॉबेरी आमतौर पर ठंडे इलाकों का फल है, जो कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, ऐसे पहाड़ी इलाकों पे जहाँ पे तापमान कम होता वहाँ होता है। लेकिन जहाँ मैं बैठा हूँ इस समय, ये उत्तर प्रदेश का बाराबंकी ज़िला है, जहाँ के किसान काफ़ी प्रगतिशील भी कहे जाते हैं और ये नई नई चीज़ें अपने खेतों में आजमाते रहते हैं। अभी मैं जिन किसान से आपको मिलवाने वाला हूँ वो भी यही करते हैं। उन्होंने खेती को फ़ायदे का सौदा बनाने के लिए कुछ ऐसी फसलों को चुना है जो यहाँ पर पहले नहीं होती थी। अगर किसी ने किया भी तो किस तरह से बड़े पैमाने पर नहीं होती थी, लेकिन अब वो बेहतर तरीके से कर रहे हैं। गांव कनेक्शन में आपका स्वागत है। और आपने स्ट्रॉबेरी उगाई है, कैसे आपके मन में आया ये कि आप? वो क्या है कि एक बार मैं घूमने गया था हिमाचल और वहाँ पर देखा, फिर हमने कुछ पौधे उनसे उसी समय लिए और अपने यहाँ लगा के देखा और फिर अच्छी उपज आई। फिर उस तरह हमने इस बार जैन से पौधा लिया और लगाया, पिछले साल भी लगाया था, अच्छी उपज हुई, कोई दिक्कतें नहीं आ रही और फायदे की खेती है। अभी आप बता रहे थे कि कल ही आपने पहली इसके जो तोड़े हैं, फल तोड़े हैं जी। तो कैसा देख रहे हैं जी? क्योंकि ये माहौल यहाँ का इनके लायक नहीं है, यहाँ का टेम्परेचर इनके लिए नहीं है, तो आप खेतों में क्या दिख रहा है? खेतों में तो बहुत अच्छा दिख रहा है। कल मैं दे के भी आया, लखनऊ दे के आया, वही 1.5-2 kg के आसपास थी, 300 रुपये का रेट मुझे मिला, 300 रुपये के जी के हिसाब से, तो बहुत अच्छा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, डबल से भी ज़्यादा जाता है। कितना है आपके पास 1 एकड़? अगर आपने बताया कि आपने लगा रखा है जी, तो एक थोड़ा हमारे किसान साथियों बताओ कि जो आपने 1 एकड़ जो लगाया है ये स्ट्रॉबेरी, इसमें कितना खर्चा आया होगा और क्या आपको अनुमान है अगर सब कुछ सही रहता है, हालात आपके पक्ष में होते हैं, तो कितनी कमाई होगी? तो ये खर्च तो करीब 80,000 रुपये बीघे पे आता है खर्च, लेकिन अनुमानित मुझे जो फ़ायदा पिछले साल हुआ वो जस्ट 1.5 गुना हुआ, मतलब 2 गुने से भी ज़्यादा है। हमको 1 लाख लगाया तो 2-2.5 लाख के आसपास हमको आ गया। और इस बार तो हमने ये टिशू कल्चर का पौधा लगाया है, बहुत ही अच्छा पौधा है कंपनी का, जैन का, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा इस बार और ज़्यादा मिलना चाहिए अगर सब कुछ ठीक रहा तो। अच्छा, तो मैंने देखा कि आपने यहाँ पे मल्चिंग भी की है, पॉलिथीन बिछाई है जी, और ड्रिप इरिगेशन लगाया है, कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज किया, कहाँ से इतना सोचा कि आपको ये काम करना? सोचा क्या कि ये खेती ड्रिप पे ही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, क्योंकि फ्रूट सड़ने का डर नहीं रहता है इसमें, पानी अगर फ्लैट देंगे कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, और मंचिंग पे क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, तो इसलिए मंचिंग डलवाई। और ड्रिप का है, 1 एकड़ में पूरी ड्रिप करवाई, वो भी जैन की करवाई, तो उससे थोड़ा हमारा पानी इसमें कम और ज़्यादा नहीं हो पाता है। ये वो मल्चिंग जिन्होंने कराया है, इसकी क्वालिटी ज़्यादातर लोग जो लगाते हैं वो सफ़ेद तरह की या ब्लैक पॉलिथीन होती है। ये कटने के बाद फिर दोबारा इसी खेत में करेंगे या कुछ और बोएंगे यहाँ पे? नहीं, फिर इसके बाद में इस पे इसी मंचिंग पे हम टमाटर पैदा कर लेंगे। अच्छा, टमाटर की क्रॉप इसी पे हो जाती है, इसके बीच पे हम टमाटर कर लेंगे, तो वो 4-5 महीने और चल जाता है, उसमें अच्छी उपज मिल जाएगी। स्ट्रॉबेरी के बाद फिर इसी पे हमारा सारा काम हो जाता है, तो पैसे की अर्निंग और बढ़ जाती है, कहीं किसी प्रकार कोई ल�स नहीं। क्या होता है कि किसान कई बार 1.5-2 एकड़ फसल लगाता है तो एक साथ लगा देता है, फिर बाद में फसल जब तैयार होती है उपज बनके तो उसे बेचने में दिक्कत है। इन्होंने क्या किया है, पहले से ही मैकेनिज्म गणित लगाया है कि ये पौधे इतने बड़े हो गए हैं, जब इनके क्रॉप टूटने लायक हो जाएगी तब दूसरे वाले, इन्होंने दूसरे खेत में लगा दिए हैं यहाँ पे देखें, तब ये तैयार होंगे, यानी ये 3-4-5 महीने तक लगातार इसकी फसल ले जाए।